हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। मैं हूँ जीशान। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रही है। काउंसलिंग कब होगा? कोई बोल रहा है कि 17 को होगा, 20 को होगा, कोई बोल रहा है 29 को होगा, 31 को होगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसलिए मैं आज इस पर कोई बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो भी आएगा आपको मिल जाएगा और वो ऑफिशियल जो वेबसाइट वहाँ पर आ जाएगा। जब भी आएगा मैं वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में बात करूँगा, सिर्फ बात करूँगा वो काउंसलिंग के ऊपर की, वो काउंसलिंग कैसे होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होगा, तो वो जो दोगुना बोला है, दोगुना वो किस तरह से लेगा, उसको मेरिट किस तरह से बनेगा, मैं आज वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने, मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ उस पर कमेंट करते हैं, सर जो ड्यूली रजिस्टर्ड है क्या वो सभी को बुलाएगा, ड्यूली रजिस्टर्ड में जो नाम है उसमें कितने लोगों को बुलाएगा, इस पर को क्लियर कीजिए, और बुलाएगा तो किस तरह से बुलाएगा, कहाँ बुलाएगा, सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये जो है मैंने एक खोल कर रखा है, लेखापाल सा आईटी सहायक का पूरा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक न्यूज है दैनिक जागरण का। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वीकृत पदों के कोटिवार दोगुना अभ्यर्थियों को किया जाएगा काउंसलिंग के लिए आमंत्रित। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी पॉइंट में बात करने वाला हूँ कि जितने भी स्वीकृत पद हैं कोटिवार दोगुना, अब मैं इसको आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने खोल कर रखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बोला क्या कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कोटिवार दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा, इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, उसके अनुसार आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे उसके अनुसार आप अनुमान लगा लीजिएगा, चाहे आप जिसके लिए भी फॉर्म भरे हों, लेखापाल के लिए या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि पटना जिला, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि पटना जिला में कुल जो है दोस्तों वो 80 सीट है स्वीकृत। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दिखा रहा है कि अनरिजर्व है, अनरिजर्व महिला के लिए है, एससी है, एससी महिला के लिए है, ईबीसी, ईबीसी महिला के लिए है, फिर बीसी है, बीसी महिला के लिए है, फिर एसटी है, एसटी महिला के लिए है, और बीसी जो है वो विडो जो कि विधवा हो चुकी है ना, ये है। तो ये पटना में ये जो कितने कितने सीट हैं ये दिखा रहा है, 27 है, 13 है, 7 है, 5 है। चलिए इसको हम दिखाता हूँ आपको, अब अपने एक्सेल पे मैंने इसको बना के तैयार किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं उसका जवाब देने का जरूर कोशिश करता हूँ, अपने अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ सके, क्योंकि दोस्तों आप लोग के भरोसे की वजह से ही हमारा चैनल चल रहा है, और मैं अपने चैनल पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करना चाहता हूँ। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह का कोई भी अपडेट हो सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आपको। देखिए जैसे कि मैंने दिखाया आपको, मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है पटना का ये बनाया है एग्जाम्पल, और जो टोटल सीट है वो 80 है। अब दिखा रहे हैं आपको कि अनरिजर्व में 27 सीट है, अनरिजर्व वोमेन में 13 सीट है, एससी में 7 सीट है, एससी वोमेन में 5 सीट है, ईबीसी में 9 सीट है, और ईबीसी वोमेन के लिए 6 सीट है, बीसी के लिए 7 सीट है, और बीसी जो वोमेन है उसके लिए 3 सीट है, और जो बीसी विडो है, विधवा है, उसके लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट है, और जो एसटी वोमेन है उसके लिए 2 सीट है। टोटल जो दोस्तों 80 सीट है। जो 80 के जो दोगुना होता है वो होता है 160। अब बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका कैटेगरी वाइज कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सेल में यहाँ पर सब कुछ बना के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ इंटू टू करके, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए अनरिजर्व के लिए 27 सीट है, तो इसका इंटू टू कितना हुआ, 54। अनरिजर्व में वोमेन के लिए कितना है, 13 सीट है, तो 26 हुआ। एससी में 7 सीट है तो इसका दोगुना 14 हुआ। एससी में वोमेन है तो इसका दोगुना 10 हुआ। ईबीसी में 9 है तो इसका दोगुना 18 हुआ। इस तरह से ईबीसी वोमेन है तो इसका 6 का दोगुना 12 हुआ। बीसी के 7 सीट के लिए दोगुना 14 हुआ। बीसी वोमेन के लिए 3 गुना 3 का दोगुना 6 हुआ, इसमें 0 है तो 0 सीट हुआ। और एसटी के लिए 1 गुना 2 सीट हुआ, और एसटी वोमेन के लिए 2 है तो 4 सीट हुआ। और इसको जब मैंने दोगुना किया टोटल को, तो 80 का दोगुना 160। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का जवाब, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दोगुना कैसे करेगा, नहीं करेगा। अब दोस्तों बात रहा कि
ड्यूली रजिस्टर्ड का, तो ड्यूली रजिस्टर्ड में जिसका भी नाम आया है, ये जरूरी नहीं कि सबको बुलाए, क्योंकि ड्यूली रजिस्टर्ड में बहुत सारे नाम हैं। मान लीजिए पटना जिला में 80 सीट है, उसमें लगभग हजारों आदमी ने आवेदन किया है। एक एग्जाम्पल तुरंत बता रहा हूँ, बेसी भी क्या होगा, कम भी हो सकता है, तो सबको नहीं बुलाएगा वो, जो है 80 का 2 गुना यानी 160 अभ्यर्थी को ही काउंसिलिंग के लिए बुलाएगा पटना जिला के लिए। इस तरह से जिस भी जिला में जितना सीट है उसका जो कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व है, SC ST ABC BC है ना, जो भी है उसका 2 गुना कर लीजिए, यानी उसका टोटल का 2 गुना, उतना ही लोगों को वो काउंसिलिंग के लिए बुलाएगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं बुलाएगा। और ये दोस्तों इसका एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और जो दोस्तों आप लोग काउंसिलिंग के जो डेट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, किसी भी अफवाह में ध्यान नहीं दें, जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईमेल के द्वारा, या आपको फ़ोन पे, या जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके द्वारा आपको न्यूज़ मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग कैसे होगा, उसके रिलेशन में है ये। अगर इसमें फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको फिर से आपको अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।